फेसबुक पर पाकिस्तान के टच में आए रीवा की टीचर, पिता बोले मैसेंजर पर कॉल आया तब पता चला लड़का पाकिस्तानी है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा के सिटी कोतवाली का तरहटी मोहल्ला इन दिनों चर्चा में। यहां की फिजा खान बॉयफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान जाते समय पकड़ी गई है। उसे अमृतसर की अटारी बॉर्डर से पकड़ा गया है। उसके पास पासपोर्ट और वीजा भी मिला है। कंप्यूटर साइंस से बीएससी करने के बाद फिजा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। परिवार वालों के मुताबिक फिजा घर की होशियार लड़की है। जब द खबरदार न्यूज की टीम शनिवार को फिजा के घर पहुंची, तब तरहटी मोहल्ला में फिजा के घर से पहले इस्लाम की कई लड़कियां मिली। एक घंटे बाद हनुमान मंदिर के बगल वाले रास्ते की गली में कुछ युवा मिले। ना पूछने पर बोले हाँ, इसी मोहल्ले की फिजा पाकिस्तान जा रही थी। घर के बाहर फिजा के पिता मिल गए। बोले बेटी जब घर आ जाएगी तब मीडिया से बात करें, अभी सिर्फ इतना मालूम है कि वह पाकिस्तान जा रही थी। फिजा ने 3 महीने पहले मार्च में पासपोर्ट बनवा लिया था। पासपोर्ट से भोपाल से इशू हुआ। फिजा 14 जून को घर से भागी थी। इसके बाद 22 जून को ही 90 दिन की कराची के लिए वीजा जारी हुआ। पिता ने बताया कि 23 साल की फिजा घर में सबसे बड़ी बेटी और होनहार है। भोघर स्थित कॉन्वेंट स्कूल में टीचर है। 19 साल की छोटी बेटी दूसरे नंबर GDC कॉलेज में पढ़ रही है। छोटा बेटा 18 साल का है। कब बेटी का पासपोर्ट बन गया, कब पाकिस्तान युवक से बात शुरू की, पता नहीं चला। पिता किराना दुकान चलाते हैं। बता दें, पिता ने पुलिस को बताया कि 14 जून को फिजा लापता हो गई। शाम को बेटे के मोबाइल पर फेसबुक मैसेंजर पर फोन आया, लेकिन बात नहीं हो सकी। दिलसाद खान नाम से शंका हो गई। ऐसे में तुरंत सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल को ट्रेस करना शुरू किया। साइबर सेल की मदद से पता चला कि फेसबुक मैसेंजर से फोन करने वाला युवक दिलसाद खान पाकिस्तानी है। मामले में पुलिस ने जांच बढ़ाई तो पता चला कि युवती का 2 महीने पहले पासपोर्ट जारी हुआ है। ऐसे में शंका बढ़ती गई। दूसरी तरफ पुलिस ने युवती के फेसबुक मैसेंजर की जाँच की। इसमें पता चला कि कई महीने से वह पाकिस्तानी युवक से बात कर रही है। युवती ने ये बात 2 लोगों को बताई थी जो मोबाइल में पाकिस्तानी युवक की फोटो भी देख चुके हैं। बता दें, एसपी नवनीत भसीन ने द खबरदार न्यूज को बताया कि फेसबुक मैसेंजर में लगातार युवती के भाई के मोबाइल पर पाकिस्तानी नंबर से फोन आ रहा था। ऐसे में 20 जून को साइबर सेल की जाँच पूरी होने के बाद लुकआउट नोटिस जारी किया गया। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा LOC सभी एयरपोर्ट और बंदरगाहों के साथ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को सूचित किया था, तब 25 जून को सफलता मिली है। टीम अमृतसर गई है, वहां से आने के बाद पूरे मामला का खुलासा हो पाएगा। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद बॉयफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान जा रही युवती को पंजाब पुलिस ने अटारी बॉर्डर पर गिरफ्तार किया है। 23 साल की युवती का नाम फिजा खान है। वह मध्य प्रदेश के रीवा जिले की रहने वाली है। युवती के पास पाकिस्तान जाने का वीजा भी था, लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले ही उसके नाम का लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया। कस्टम विभाग और BSF के अधिकारियों ने अटारी बॉर्डर पर युवती को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रीवा पुलिस युवती को वापस ले जाने के लिए अमृतसर पहुंच गई है। युवती की कहानी 14 जून से शुरू होती है, जब वह अपने घर से डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट लेकर भाग गई। उसके परिवार वालों ने रीवा कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज करा दी। युवती का पासपोर्ट भी गायब था। इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस के जरिए फिजा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करवा दिया, ताकि वह विदेश ना भाग सके। किसी भी नागरिक को पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन एक जरूरी प्रक्रिया होती है। इसके बिना पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता। वैसे जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी दी गई सूचनाओं को जांचने के लिए पुलिस व्यक्तिगत तौर पर आपके घर पहुंचती है। इस दौरान पुलिस आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या रहा है, ऐसी बातों की जाँच करती है। इसके अलावा अगर आवेदक के खिलाफ कोई पुलिस या कोर्ट केस लंबित है तो पुलिस इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर पासपोर्ट ऑफिस को पहुँचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।